फ्रेंड्स, जो इस पर ये जो पानी के दाग दिख रहे हैं आपको, जितने भी पानी के दाग हैं, ये सब दाग साफ करने के लिए आपको और जो मोटरसाइकिल बुलेट या कोई भी मोटरसाइकिल है उसके जितने भी क्रोम पार्ट होते हैं, क्रोम पार्ट को साफ करने के लिए आप ये निकल पाउडर लो थोड़ा सा। निकल पाउडर लेने के बाद इसमें पानी डालो थोड़ा सा। पानी डाल के इसकी पेस्ट बना लो आप। इसकी पेस्ट बनाने के बाद आप इसको पूरे पे पेस्ट लगा दो। निकल पाउडर का पेस्ट लगा दो पूरे पे। सिर्फ क्रोम पार्ट पे ही लगाना है और दूसरे पे जरूरत नहीं है। दूसरे पे कोई असर नहीं करेगा ये। इस तरह से पूरे क्रोम पार्ट पे आप लगा दीजिए। जितना भी मोटरसाइकिल में क्रोम पार्ट है सब पे लगा दो। सारे क्रोम पार्ट पे लगा सकते हो आप। और ये देखिए जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, इसमें बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ये, तो इस पर भी लगाइए आप। इस तरह इंडिकेटर पे पेस्ट लगा दीजिए। इसी तरह दूसरे इंडिकेटर पे भी आप पेस्टिंग कर दीजिए। और जितना भी क्रोम पार्ट है इसका, उन सब पे इसकी पेस्ट आप लगा दो। और लगाने के बाद 10 मिनट तक आप छोड़ दो इसको। 10 मिनट के बाद सिंपल कपड़े से आप साफ कर दो, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ।